मुख्यमंत्री मनोहर लाल और कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री जेपी दलाल के नेतृत्व में हरियाणा सरकार का कृषि विभाग कई कल्याणकारी योजनाओं को चला रहा है। इन योजनाओं का उद्देश्य किसानों की आमदनी बढ़ाना है, जिससे प्रदेश का किसान खुशहाल बन सके। इसी कड़ी में हरियाणा सरकार नई नई तकनीकों के प्रति किसानों को प्रेरित कर रही है, जिसके जरिए खेती करना किसानों के लिए फायदे का सौदा बनता जा रहा है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल और कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री जेपी दलाल के नेतृत्व में हरियाणा सरकार नई नई तकनीकों के सहारे किसानों के लिए खेती आसान बनाने की कोशिश कर रही है। साथ ही नई तकनीकों को अपनाने के लिए प्रोत्साहित भी किया जा रहा है और बदलते दौर में कृषि क्षेत्र को भी AI से लैस किया जा रहा है, ताकि किसानों की आमदनी को बढ़ाया जा सके और प्रदेश में प्रगतिशील किसानों की संख्या बढ़ सके। एक ऐसे ही प्रगतिशील किसान हैं प्रदीप कुमार, जो करनाल में कई साल से टमाटर की खेती कर रहे हैं, लेकिन पिछले 3-4 वर्षों से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसके तहत उन्होंने अपने खेतों में वेदर रिमोट सेंसिंग सिस्टम लगाया है, जिससे उन्हें घर बैठे उनके मोबाइल पर कीटों के प्रभाव और मौसम से जुड़ी सभी जानकारियां मिल जाती हैं। साथ ही पानी की जरूरत और दवाओं के इस्तेमाल की भी पूरी जानकारी मिलती है। प्रदीप कुमार बताते हैं कि उन्होंने अपने खेतों में येलो ट्रैप भी लगाए, जिससे कीटनाशकों का इस्तेमाल किए बिना फसल खराब करने वाले कीटों को खत्म किया जा सके, जिससे लागत में कमी आती है और उत्पादन ज्यादा होता है। नाम प्रदीप कुमार जी, गांव पधाना, डिस्ट्रिक्ट करनाल जी। टमाटर की खेती जी हम 1989 से कर रहे थे जी लगातार, लेकिन अब पिछले 3-4 साल से इसमें WRMS में जुड़े हैं जी। अभी न जैसे कुछ लगाए हैं अपने सिस्टम से येलो ट्रैप, और वो एक मोबाइल पर जानकारी अंदर में वेदर की भी, कीट पतंग की भी, क्या करना किस टाइम करना, उससे एक तो मान ले दवाइयों के खर्चे सारा कुछ मान ले आधे हो गया जी पहले से, और फसलें मान ले बहुत बढ़िया जी। टाइम टाइम पर मान ले जैसे मौसम के बारे में उसमें सारी जानकारियाँ मिलती रहा, फिर टाइम टू टाइम इनके लड़के आ गए वो भी विजिट करते रहा, अब ये डालो जी वो करो, या कुछ नहीं डालना वैसे कोई ट्रैप ट्रूप लगाओ, इन चीज़ों का मान ले काफ़ी मान ले हमारे तक पानी का भी इसमें पता लगे, पानी का भी सारी चीज़ों को पता लगे। साथ ही उन्होंने बताया कि बागवानी के तहत वो टमाटर की खेती काफी समय से कर रहे हैं, लेकिन इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तकनीकी का इस्तेमाल करके काफी फायदा हो रहा है। क्या कुछ कहना चाहेंगे, कब से खेती कर रहे हैं और कहीं ना कहीं परंपरागत खेती को छोड़ के अब बागवानी की तरफ रुख कर रहे हैं किसान? नहीं, बागवानी की तरफ तो काफी टाइम तक कर रहे थे जी, मान ले इसमें सब्जी का जो अच्छा रेट राट मिल जाए तो परंपरागत है, मान ले काफ़ी अच्छी मान ले आमदनी हो जाए जी किसान की। लेकिन अब जो जो इनका सिस्टम आया है ना, जो इसका WRMS का, इसमें किसान था मान ले अच्छी तरह जो जानकारी दें दे रहा हूँ मोबाइल पर, उस पर क्या करना खेत में, क्या स्प्रे करनी, कब पानी लगाना, बरसात होगी ना होगी, सारा कुछ पता लगता रहा जी, मिट्टी की टेस्टिंग ये सारा कुछ मान ले उससे। प्रगतिशील किसान प्रदीप कुमार बताते हैं कि हरियाणा सरकार की तरफ से भी काफी सहयोग मिल रहा है, जिससे प्रति एकड़ 3-4 लाख रुपए तक मुनाफा हो जाता है। सरकार की तरफ से किस तरह का सहयोग रहता है? सरकार का तो नबार्ड का ही एजेंट के साथ जो भी है, लेकिन हमें तो ये जो लड़के WRMS से आए हैं समय समय पर मिलते रहूंगा जी। तो प्रति एकड़ कितना आप मुनाफा कमा रहे हैं टमाटर से? मुनाफा तो देखो रेट के ऊपर है जी, क्या रेट किस सीजन में है, लेकिन उत्पादन आए साल मैंने बढ़िया ही निकाल लें, कई बार प्रति एकड़ 3-4 लाख रुपए भी चले जाओ, कई बार मैंने 2-2.5 रह जाए। इसके साथ ही उन्होंने किसानों को संदेश देते हुए कहा कि सभी विभागों को बागवानी के तहत सब्जियों की खेती करनी चाहिए, साथ ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तकनीक का इस्तेमाल करके अपना उत्पादन बढ़ा सकते हैं, जिससे मुनाफा भी कई गुना तक बढ़ जाता है। बाकी किसानों क्या कहेंगे, जैसे आप आधुनिक खेती कर रहे हैं स्मार्ट तकनीक से? नहीं, सभी किसानों तो नहीं कहेंगे जी, सभी मान ले अच्छे तरीके से खेती करो,
सब्जी में मान ले बड़ी आमदनी है, करो अच्छा प्रॉफिट है जिसमें। क्या नाम है? प्रदीप कुमार। वही किसान उत्पादक संगठन के निदेशक डॉक्टर एसपी तोमर ने बताया कि खेती में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तकनीक को किसानों के साथ मिलकर और नाबार्ड से मीटिंग करके बनाया गया, जिसे नाबार्ड ने मंजूरी दी है। साथ ही उन्होंने बताया कि मौजूदा समय में कृषि क्षेत्र काफी पीछे है, इसीलिए अब कृषि क्षेत्र में भी एआई का इस्तेमाल करने की शुरुआत की जा रही है, जिससे किसान अपनी लागत कम कर सके और आमदनी बढ़ा सकते हैं। उन्होंने बताया कि खेती में आजकल रासायनिक खाद का इस्तेमाल ज्यादा किया जाता है, जो हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। इस तकनीकी के जरिए कम से कम कीटनाशकों का इस्तेमाल होता है और कम लागत में ज्यादा उपज ली जा सकती है। कैसे, क्या कहेंगे, क्या तकनीक है? एक्चुअल में ये प्रोग्राम हमने किसानों के साथ बैठ करके और नाबार्ड के साथ मीटिंग करके इस प्रोजेक्ट को सिरे चढ़ाया और नाबार्ड भी एग्री किया इसको लेकर के। स्मार्ट आज देखिए, किसी भी क्षेत्र में जाइए आप, कृषि क्षेत्र अभी सबसे पीछे है। तो इसमें जो है एआई का इस्तेमाल, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी का इस्तेमाल जो है, और इस तरह के जो इम्प्लीमेंट्स हैं, जो उपकरण हैं, उनकी सहायता से हम किस तरह से किसान के खर्चे को कम कर सकते हैं, उसकी उपज को, मैनेजमेंट को बेहतर बना सकते हैं, और कीटनाशकों का जो जो ज़्यादा छिड़काव हो रहा है, अंततः जितने भी कीटनाशक और एक्सेस फर्टिलाइजर यूज़ कर रहा है किसान, वो कहीं ना कहीं लौट करके हमारे भोजन में आ रहे हैं। आप तो जानते हैं कि उसे अनन्य प्रकार की बीमारियों ने हमें घेर लिया है। तो इन सब को देखते हुए हमारी जो क्वालिटी प्रोडक्ट हो, टमाटर को लेकर के जो हमने प्रोजेक्ट किया है, कम से कम पेस्टिसाइड का इस्तेमाल हो, अधिक से अधिक जो है हम उसमें उपज ले सके, इन सब को सोच समझ करके ही किसानों को हमने प्रेरित किया और ये प्रोग्राम शुरू किया। क्या तकनीक? इसके साथ ही उन्होंने बताया कि इस तकनीकी के तहत वेदर सिस्टम लगाया हुआ है, जैसे मौसम की पूरी जानकारी मिलती है। साथ ही खेतों में लगी डिवाइस से पता लगता है कि खेत में पानी कब और कितना दिया जाना है, जिससे ज्यादा पानी देने की समस्या और कम पानी देने की समस्या अब पूरी तरह से खत्म हो जाएगी। इसके साथ ही पेस्ट सेंसर भी लगाए गए, जिससे कीटों के बारे में पता लग जाता है। कैसे इसका पता लगाया जा सकता है, बीमारी या कैसे? स्मार्ट टेक्नोलॉजी में एक तो हमने यहाँ वेदर स्टेशन गांव में लगा हुआ है, वेदर स्टेशन। उससे क्या होता है कि एक तो जो किसान का कब पानी लगाएगा किसान, जो डिवाइस है वो लगी हुई है, वो ज़मीन की हालत आपको बता देगी कि अब किस खेत को, इस खेत को, चाहे वो गन्ने का खेत है, टमाटर का खेत है, या कोई भी खेत है, कि इसमें पानी की आवश्यकता है। तो एक्सेस वाटर ना लगाए किसान, एक्सेस वाटर लगाएगा तो अनेकों अनेक बीमारियां भी आती हैं, फिर बीमारी आएंगी तो दवाइयों का इस्तेमाल करता है। इसके अलावा जो पेस्ट सेंसर लगे हुए हैं, पेस्ट सेंसर क्या काम करते हैं सर, कि उसके सामने एक येलो स्टिकी कार्ड लगा होता है, और उस येलो स्टिकी कार्ड पर जो है कोई भी इंसेक्ट आकर के प्रारंभिक में जब वो शुरुआत होती है उसकी, आएगा तो वो उसकी फ़ोटो को क्लिक करेगा, और क्लिक करने के बाद वो मैसेज भेज देगा जो है किसान के पास में, कि आपके फसल में ये इंसेक्ट का अटैक होने जा रहा है, तो आप सावधान हो जाइए, और आप इस जो 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 ये इंसेक्ट आ रहा है, इसके लिए जो जो भी रिकमेंडेशंस हैं उनके पास दवाइयों की, उन दवाइयों के बारे में उसको सलाह दे देते हैं कि दिस एंड दिस टाइप ऑफ मेडिसिन आप जो है इस्तेमाल कर सकते हैं। किसान उत्पाद संगठन के निदेशक डॉक्टर एसपी तोमर बताते हैं कि प्रोजेक्ट के पहले फेज में इस तकनीकी का इस्तेमाल करके एक किसान ने 2.5-3 एकड़ में करीब 2 करोड़ के टमाटर का उत्पादन किया। ये तकनीकी किसानों के लिए काफी लाभकारी है। इसके साथ ही उन्होंने किसानों को ऑर्गेनिक खाद का इस्तेमाल करने की सलाह दी, ताकि उत्पादन की अच्छी गुणवत्ता हो सके, अच्छी फसल लेके मुनाफा भी कमा रहे हैं कहीं ना कहीं टमाटर। अभी हमने कलरी जगीर, इससे पहला जो फेज था इस प्रोजेक्ट का, वो कलरी जगीर में किया था, और यू डोंट बिलीव इट कि उस किसान ने, हम ये नहीं कह रहे कि वो हमारे द्वारा हुआ, कुछ कभी कभी किस्मत भी काम कर जाती है।
तो 2 करोड़ का टमाटर 2.5-3 एकड़ से उसने लिया है, क्योंकि पिछले सीजन में उसकी क्रॉप को थोड़ी सी पछेती थी, जैसे ही जो है टमाटर के रेट अप हुए तो वैसे वैसे उसकी क्रॉप का प्रोडक्शन बढ़ता गया और टमाटर मार्केट में जाते रहे। तो इस तरह से उसने लगभग 2 करोड़ के आसपास जो है अपने टमाटर से जस्टी भेजे थे, लेकिन तकनीक का इस्तेमाल उसने जो किया, उसके जो जो दवाइयाँ थी उनका बहुत कम इस्तेमाल किया, ऑर्गेनिक में कह लीजिए आप ट्राइकोडर्मा जैसी चीज़ें होती हैं उनका इस्तेमाल किया। तो हम भी किसान को यही सलाह देते हैं कि आप जो है अपनी उपज का बेहतर प्रबंधन करिए, बेहतर कीटनाशकों का प्रबंधन करिए, कम से कम कीटनाशकों का इस्तेमाल करिए ताकि उसकी उपज की गुणवत्ता बरकरार रहे। क्या नाम है सर आपका? मैं डॉक्टर SP तोमर। खेती में नई नई तकनीकों का इस्तेमाल करके जिस तरह से कृषि क्षेत्र विकसित होता जा रहा है, उससे साफ है कि कभी कर्ज के बोझ से दबा किसान अब हरियाणा की बढ़ती अर्थव्यवस्था का एक मजबूत पहिया बन चुका है, क्योंकि प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल चाहते हैं कि किसान भाई परंपरागत खेती को त्याग कर बागवानी को अपनाएं, जिसमें लागत कम मुनाफा ज्यादा होता है। यही वजह है कि हरियाणा सरकार बागवानी को बढ़ावा दे रही है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने हरियाणा की सत्ता संभालने के बाद से किसानों के हित में कई अहम फैसले लिए हैं, जिसकी बदौलत प्रदेश का किसान आज मजबूर नहीं मजबूत हो गया है।